हेलो एवरीवन, मैं हूं जेसन रवि, सिनेमा और सत्य की आवाज और समरी ऑफ सिनेमा में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम Amazon Prime के नए शो सिटेडेल के फर्स्ट टू एपिसोड्स का रिव्यू करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, प्लीज नीचे दिए सब्सक्राइब बटन को दबा के हमें सपोर्ट कीजिए, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही रिसर्च करके इंटरेस्टिंग मूवीज के रिव्यूज बनाते रहें। सिटेडेल एक एक्शन पैक्ड स्पाई सीरीज है, जिसके क्रिएटर हैं डेविड वील और एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स हैं रूसो ब्रदर्स। इसकी इंडियन और इटालियन स्पिन ऑफ की प्लानिंग शुरू हो गई है। इंडियन सिटेडेल के क्रिएटर्स होंगे टैलेंटेड डुओ राज एंड डीके, जिन्होंने फैमिली मैन भी बनाया है। इस सीरीज में इन दो स्टार्टिंग एपिसोड्स के बाद Amazon हर वीक एक एपिसोड ड्रॉप करेगा हमारे लिए। ये आइडिया हमें ज्यादा पसंद नहीं आया, पूरा सीजन एक साथ आना चाहिए था नॉर्मल तरीके से। आपकी क्या राय है Amazon की इस स्ट्रैटेजी पे, हमें कमेंट्स में बताना प्लीज। तो कहानी पे आते हैं कि सिटेडल एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि किसी कंट्री को बिलोंग नहीं करता। Loyal to no nation. और उनके स्पाइस का बस एक ही लक्ष्य है, दुनिया में शांति बनाए रखना और पॉसिबल थ्रेट को एलिमिनेट करना। सिटेडल के बेस्ट स्पाइस हैं मेसन और नादिया, जिनको प्ले किया रिचर्ड मैडन, और हम सबकी चाहती प्रियंका चोपड़ा जोनस ने। इस सीरीज में मैंटीकोर एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन दिखाया गया है जिसको दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों ने बैक किया है। वो सिटेडेल को खत्म करना चाहते हैं और उनके सीक्रेट्स हड़पना चाहते हैं। सीरीज की शुरुआत में हम देखते हैं कि कैसे मैंटीकोर के एक प्लान को रोकने के प्रोसेस में मेसन और नादिया जख्मी हो जाते हैं और दोनों अपनी याददाश्त खो बैठते हैं। 8 साल बाद मेसन ने अपनी नई जिंदगी शुरू कर दी है, अब उसकी बीवी और बच्ची भी है। उसका एक कॉलीग बर्नार्ड वापस आता है उसकी जिंदगी में। मेसन अपने पास्ट के बारे में और चीजें डिस्कवर करता है और उसको पता चलता है कि नादिया अभी भी जिंदा है। वो जब नादिया से मिलता है तभी मैंटीकोर उन लोगों पर हमला करता है। फाइट सीक्वेंस के एंड में नादिया समहाउ अपनी मेमोरी रिकवर कर लेती है, लेकिन मेसन अभी तक अपनी पूरी मेमोरी रिकवर नहीं कर पाता। हमको सीरीज के दोनों एपिसोड्स अभी तक एंटरटेनिंग लगे हैं, सब कुछ स्मूथली जा रहा है, एक्शन सीक्वेंसेस अच्छे हैं, ग्रैंड हैं, सबकी एक्टिंग भी अच्छी है, लेकिन एट द सेम टाइम कुछ भी ज्यादा यूनिक नहीं देखने को मिलता। हर चीज आप बोल सकते हो कि ये बॉर्न आइडेंटिटी जैसा है या जेम्स बॉन्ड जैसा है या किंग्समैन जैसा है। अब अगर बात करें प्रियंका और रिचर्ड की, तो दोनों अमेजिंग है और ये दोनों हमारा इंटरेस्ट बनाए रखते हैं। हम ये भी समझते हैं कि पास्ट में मेसन और नादिया के बीच में कुछ हुआ है जो अभी तक रिवील नहीं किया गया है। क्या हुआ है, किसने किसको धोखा दिया है, ये देखने में अच्छा रहेगा आगे। बाकी कैरेक्टर्स भी सीक्रेट से भरे हुए हैं और कुछ न कुछ सब छुपा रहे हैं। आगे कैसे चीजें अनरेवल होती हैं ये देखना इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन अभी तक कुछ भी जॉ ड्रॉपिंग या देसी भाषा में बोले तो कुछ हिला देने वाला नहीं देखने को मिला है। पर सीरीज कड़क है, यानी अच्छी है और देखने के लिए रिकमेंडेड है। सो वेल फ्रेंड्स, ये था सिटेडेल का फर्स्ट टू एपिसोड्स का रिव्यू आपके लिए। कैसा लगा ये कमेंट्स में बताना। अगर लाइक सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल दबाई है तो गॉड ब्लेस यू, और अगर नहीं दबाई तो प्लीज दबा दीजिए और हमारे एफर्ट्स को सपोर्ट और इनकरेज कीजिए। रिव्यू को प्रियंका चोपड़ा के फैन दोस्तों के साथ शेयर करें। फिलहाल के लिए मैं जेसन रवि विदा लेता हूं। थैंक यू, शुक्रिया और जय हिंद।